Hello kids, welcome to my channel. Today we will perform an experiment of class 12th. This is experiment 2 of term 2, in which we will determine the angle of minimum deviation for a given prism by plotting graph between angle of incidence and angle of deviation. और फिर हम उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे. मीन्स एम क्या है हमारा इस एक्सपेरिमेंट को करने का, हम इसमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को कैलकुलेट करके वहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकाल लेंगे. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ प्रिज्म. वी विल पुट दिस प्रिज्म ऑन दिस शीट एंड ड्रॉ इट्स पोजिशन. हम इसकी पोजिशन को ड्रॉ कर लेंगे इस पर इस तरह से. नाउ अब हम इसको रिमूव कर देंगे और एक नॉर्मल ले लेंगे. नाउ वी विल टेक एन इंसिडेंट रे एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. 30 डिग्री एंगल पर हम एक इंसिडेंट रे ले लेंगे, दैट इज एट दिस एंगल 30 डिग्री एट दिस एंगल. नाउ वी सेट टू पिंस. अब मैंने जो ये दो ऑल पिन इंसिडेंट रे पे सेट कर दिए, सो दैट वी विल ऑब्जर्व दिस पिन थ्रू दिस रिफ्रैक्टिंग फेस. हम इस फेस से इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं और जहाँ पर हमें ये दिखेंगी एक ही लाइन में चारों पिन, दो पिन और हम यहाँ सेट करेंगे, तो हम वहाँ पर क्या रिफ्रैक्टिंग रे को ड्रॉ कर देंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. और ये देखो हम ये दोनों पिन्स इस रिफ्रैक्टिंग फेस से जब हम ऑब्जर्व करेंगे देन ये देखो इस फेस से हमें ये जो दो पिन लाइट सी नज़र आ रही हैं ये दोनों एक ही लाइन में दिखाई देंगी. दीज आर द पिन्स. ठीक है, ये दोनों पिन. अब हमें इन्हीं की डायरेक्शन में दो पिन्स और लगानी हैं कि ये हमें ऐसे दिखे कि ये सभी एक ही लाइन में लाई कर रही है. चलो एंड नाउ वी विल ऑब्जर्व दैट दीज फोर पिन्स जो दो ये पिन्स मैंने अप्लाई की है और दो ये जो पिन्स जो हम इसमें से ऑब्जर्व कर रहे हैं जो लाइट से नज़र आ रही है, ये चारों एक ही लाइन में दिखेगी. अब यहाँ इन पिन्स को रिमूव किया और इनकी पोजीशन को एन सर्कल करके हम जब इसको मीट करेंगे देन वी विल फाइंड रिफ्रैक्टेड रे. लेट अस फाइंड द रिफ्रैक्टेड रे. अब हमने जो ये पिन्स अप्लाई की थी रिफ्रैक्टेड रेज पर, हमने इनको मीट कर दिया है और जब हम इंसिडेंट रे को आगे इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये एंगल मिलेगा जहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे मीट कर रही है. हम इस एंगल को मेजर कर लेंगे. दिस इज़ आवर एंगल ऑफ डेविएशन. लेट अस मेजर दिस एंगल. इसको हम ध्यान से मेजर करेंगे. जो मैंने ये डॉट लिया है इस पर आप देखिए जीरो रखेंगे. ठीक है, and this angle is 49 degree. Similarly हम यहाँ हमने incident angle 30 लिया, इसी तरह हम 35 के लिए 40 के लिए जैसे जैसे मेजर करते जाएंगे उनकी वैल्यू को हम ऑब्जर्व करते जाएंगे. तो मैं अब 35 और 40 के लिए ऑब्जर्व कर रही हूँ. चलो मैंने 45 और 50 के लिए मैंने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्रॉ किया है. तो हम यहाँ पर जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को मेजर करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, जब हमने इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाया और रिफ्रैक्टेड रे को इससे मीट करवाया तो हमें ये कितना ऑब्जर्व होगा. दिस इज 42. ये देखो This is 42 degree. ठीक है, इसी तरह हम 40 के लिए अगर करेंगे तो 40 पर जब हमने मीट करवाया इसको तो ये कितना आ जाएगा हमारा 40 पर. दिस कम्स टू बी 39 के क्रॉस आएगा. इसी तरह अगर हम 45 के लिए करेंगे देन इट इज फर्दर इंक्रीजिंग, इट इज 43 एंड फॉर 50 इट इज 49. तो यहाँ हमने जो ऑब्जर्वेशंस देखी है यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कहाँ पर आई, सबसे स्मॉलेस्ट डेविएशन कहाँ पर आई है, 40 डिग्री पर, दैट इज 39 डिग्री. अब हमें क्या करना है,
एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में ग्राफ को प्लॉट करना है। जो ग्राफ मैंने पहले ही प्लॉट कर लिया, ये देखिए आप, ये ग्राफ ये है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन मैंने ले लिया वाई एक्सिस पर, और दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस जो मैंने एक्स एक्सिस पर ले लिया है। बच्चों आपको एक बात और ध्यान रखनी है, आपको स्केल्स इक्वल लेने हैं, मीन्स 20 डिवीजन पर अगर 30 डिग्री तो फिर आगे 20 डिवीजन पर 35 होगा। सिमिलरली यहाँ भी हमने 20 डिवीजन्स ले लिए हैं। तो अब हमने देखा है कि हमारा 30 डिग्री पर कितनी वैल्यू आई हुई थी, 30 डिग्री पर हमारी वैल्यू कितनी आई हुई है, 44, वी मार्क हेयर। और 35 पर हमारी वैल्यू कितनी है, 35 पर हमारी वैल्यू है 42 डिग्री, 35 पर हमारी वैल्यू कितनी है 42, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ डेविएशन आई है 30 पर, 40 पर हमारी वैल्यू कितनी आई है, 40 पर 39 डिग्री। इसी तरह 45 पर हमारा आया था 43, दिस इज 43, और 50 पर आया है हमारा 49। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो समवट लाइक इस शेप का आ जाएगा, और जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है उसको हम इससे मीट करवा देंगे। अब हमारा मेन एम क्या है, हमारा मेन एम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालना। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कैसे निकलेगा, म्यू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। हेयर ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल जो 60 डिग्री होगा, तो साइन ऑफ 60। अब मिनिमम एंगल डेविएशन डेल्टा कितना, 40 पर कितना आया था हमारा, 40 पर हमारा आया 39 डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई साइन 60 बाई टू मीन्स साइन 30। जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट कर लेना, साइन ऑफ 40 कितना आ जाएगा, ये 99 बाई टू डिवाइडेड बाई साइन 30। साइन 30 हमें पता है हाफ है, और साइन 99 को आप कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 49.5 कुछ आ जाएगा। जब हम इन दोनों को डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे तो ये समवट लाइक 1.50 के आसपास आ जाएगा। तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो हमने प्रिज्म लिया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा ये आ चुका है। ओके, थैंक यू।